चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी क्लास नाइन्थ की जो गतिविधि पत्रक है 28/7/2023 की, उसके बारे में किसी तल में दिए हुए जो आपके निर्देशांक वाली भिन्न बिंदुओं का आलेख कर फिर उन्हें जो है मैं आपस में मिलाकर छपा हुआ चित्र बनाएं, ऐसा इन्होंने कहा है। अब देखो यहाँ पर एक तल दिया गया है, इसमें क्या करना है, पहले इनको पता करना है ना, और इसके बाद इनको क्या करना है, आपस में मिलाना है, और मिलाने के बाद एक चित्र बनेगा, उस चित्र को क्या करना है आपको बना के दिखाना है। इन्होंने क्या कहा है, पहले एक बार सब चीज़ें एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि सुविधाजनक माप का एक कार्डबोर्ड लीजिए, है ना, और उसके बाद उस पर सफ़ेद कागज़ चिपका दीजिए। पहले कार्डबोर्ड लेना, उस पर सफ़ेद कागज़ चिपका लेना, और एक ग्राफ पेपर लेकर क्या करना, उस सफ़ेद कागज़ के ऊपर चिपका दे देना। फिर जो है उस पर एक आकृति दिखाई, ये अनुसार जो है आपको, मतलब जैसे यहाँ पर बिंदु दिखाई गई ना, एज इट इज़ आपको ऐसी की ऐसी ही बिंदु क्या कर लेनी है, एक्स ओ वाई और वाई ओ वाई पर खींच लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ, ऐसे ही कुछ बिंदुओं को मानकर ए बी सी डी ई एफ का आलेख कीजिए, और इसके बाद ए बी सी डी ई एफ ऐसे मिला दो, जैसे ए को बी से मिलाओ, है ना। अब आपको करना क्या होगा इसमें, इसमें आपको करना ये होगा कि ए को बी से मिलाओ, बी को सी से मिलाओ, सी को डी से मिलाओ, और इसके बाद जो डी होगा डी को ई से मिलाओ, ई को एफ से मिलाओ, ठीक है, ई को एफ से मिलाओ, एफ को जी से मिलाओ, जी को जो है एच से मिलाओ, और एच को आई से मिलाओ, आई को जे से मिलाओ, जे को के से मिलाओ, एल एम एन ओ, है ना। तो इस तरीके से एक मछली बन जाएगी, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे ही आपको भी क्या करना है, उस कागज़ पर मछली बना लेना है ना, ऐसे ही आपको भी क्या कर लेना है, एक मछली को बना लेना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखो इसके बाद क्या बोला गया, दिखाए दिए गए निर्देशांकों के अनुसार बिंदु को जोड़ने पर एक चित्र बनता है ना, बिंदु को जोड़ोगे तो कोई ना कोई चित्र आपको बनता हुआ नजर आएगा। अब चित्र तीन का अवलोकन कीजिए, बिंदु ए बी सी डी, है ना, ऐसे ही ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, ये सारे बिंदु हो जाएंगे, और ये सारी बिंदुओं का जो है ना चित्र कौन सा बन रहा है, इन बिंदुओं का चित्र जो है वो बन रहा है आपका एक फिश। अब आप देखोगे छपी हुई आकृति मछली की है, आप लिख देना मछली की है। अब इन्होंने बोला इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, अब आप खुद बताओ यहाँ पर निर्देशांक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब इनके अगर निर्देशांक की हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे ए क्या है, ए है 0, -2 पर, है ना, क्या हो जाएगा 0, -2। इसके बाद बी क्या हो जाएगा, बी का अगर आप देखोगे तो बी है 0, ठीक है, यहाँ पर बी जो हो जाएगा ये 1, 1 हो जाएगा, -1, 1 प्लस का, ठीक। ऐसे ही सी जो है वो क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा ये जी, सी जो ए, देखो भैया क्या है, ज़रा ए वाला सही कर लो पहले, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, वहाँ पे नहीं यहीं पे लिखता हूँ मैं, ए जो हो जाएगा ये हो जाएगा -2, 0, बी जो हो जाएगा इसका निर्देशांक वहीं पर लिख लेना जाकर आपको, ठीक है, -1, 1, सी जो है ये हो जाएगा आपका 0, 2, डी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5, 1, जी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7, 1, ई जो है ये हो जाएगा, ठीक है, 8, 1, एफ जो है ये हो जाएगा, एफ जो है ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा आपका 10, 4, ठीक। और इसके बाद एच जो है, एफ हो गया एच, एच जो है ये हो जाएगा 10, 0, ठीक। इसके बाद आई, आई जो है ये आपका हो जाएगा -10, -1, है ना। जे जो है ये हो जाएगा जे, जे फॉर जोकर वाला जो जे इसमें दे रखा है, जे जो है ये क्या हो जाएगा,
जे आपका हो जाएगा जाकर 10 कॉमा माइनस का 3। इसके बाद एल, एल क्या हो जाएगा तो आप पहले के लिख लो, के जो है ये क्या हो जाएगा, के जो हो जाएगा ये 8 कॉमा माइनस का 2 हो जाएगा। एल का हो जाएगा आपका ठीक है 5 कॉमा माइनस का 5 है ना। एम हो जाएगा आपका जाकर क्या, एम हो जाएगा 0 कॉमा माइनस का 2। और इसके बाद जो है एन आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये आपके इसके निर्देशांक हो जाएंगे और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा इन बिंदुओं को। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। और याद रखिएगा इसे ऐसे ही बनाकर आपको ये बिंदुएं नोट कर लेनी है और अपने टीचर को दिखा जरूर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।